कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। आधा किलो हमारे पास यहाँ टमाटर हैं, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टेबलस्पून हमारे पास चीनी है, 1/2 टेबलस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून सफेद सिरका, 1 टेबलस्पून चॉप हमारे पास लहसुन है और ये मिक्स हर्ब है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टमाटरों को गर्म पानी में डाल के से बॉयल करना है ताकि इसका छिलका नरम हो जाए, फिर हम आपको बताते हैं। ये देखें, ये हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरीके से उबल गए हैं और इनका छिलका उतारेंगे अब हम। तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक ठंडे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, इससे फिर छिलका फटाफट उतर जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हम इसके सारे छिलके उतार लेंगे। सारे टमाटरों के हम छिलके उतार लेंगे और इधर प्लेट में रख देंगे। ये देखें इस तरीके से, फिर हम इसे एक मिक्सिंग जार में डाल के इसका एक पेस्ट बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने इसमें जार में डाल के इसकी प्यूरी बना ली है और अच्छी तरीके से जार को साफ करेंगे। यहाँ हमने एक फ्राई पैन रखा है, अब इसमें हम जो तेल लिया था वो डालेंगे, चॉप लहसुन डालेंगे और इसे थोड़ा सा सोते करेंगे। वो हमारे लहसुन सोते हो गया, अब हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हमने चीनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे और ये कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, सिरका और थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे हम, ये मिक्स हर्ब, और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी पिज़्ज़ा सॉस बन रही है। और ये देखें, इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लावर या मैदे का इस्तेमाल नहीं कराएगा, इसको इतना पकाना है कि ये खुद गाढ़ी हो। अभी ये और मज़ीद पकेगी, ये देखें बबल्स आ रहे हैंगे, अभी इसमें पानी है, अभी थोड़ा सा और पकेगा फिर मैं आपको इसकी असल शक्ल दिखाऊंगी। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब इसके बबल्स देखें, इसमें कोई पानी नहीं है। अगर पानी हम छोड़ेंगे तो क्या होता है, जब हम पिज्ज़ा में लगाते हैं तो पिज़्ज़ा बहुत लिक्विडी हो जाता है, गीला गीला हो जाता है। इस तरीके से हमें थिक पिज़्ज़ा बनानी है, पिज़्ज़ा सॉस बनानी है, ताकि जब हम पिज़्ज़ा पे लगाएं तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरीके से लग सके। ये देखें, इसमें ना मैंने कोई कलर डाला है, कुछ भी नहीं डाला, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें, ये देखें इतनी गाढ़ा इसमें, ये देखें इतनी ज़बरदस्त बनी है। चलें फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसे। ये देखें, माशाल्लाह से हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है, साफ़ सुथरी। और अपने घर से चीज़ें निकाल कर आप टमाटर सॉस बनाएं या पिज़्ज़ा सॉस बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखें, होममेड है और अच्छा लगता है जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नीचे बने बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले। शुक्रिया।